ड्रग्स माफिया ललित पाटिल को चेन्नई से हिरासत में तो ले लिया है, लेकिन अब उसके फरार होने को लेकर विपक्ष द्वारा बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पाटिल ससून अस्पताल से फरार हुआ था। इस पूरे मामले में एंटी नार्कोटिक्स स्क्वाड नासिक द्वारा पत्र परिषद के दौरान अधिक जानकारी साझा की गई। पुलिस ने पाटिल की केमिकल फैक्ट्री पर छापा मारकर 7 करोड़ का एमडी बरामद किया था और उसने कबूल किया था कि एक नाइजीरियन ने उसके भाई भूषण पाटिल को ड्रग्स बनाने का फॉर्मूला दिया था। खरं म्हणजे आरोपी जे म्हणजे तो नाशिकला येऊन गेला हे आपल्याला 4 दिवसापूर्वी कळालं होतं आणि त्या अनुषंगाने आपलं त्याबरोबर वर्कआउट चालू होतं आणि पुणे आणि मुंबई पोलिसांसोबत आपल्याही त्या आरोपी ललित पानपाटीलला शोधण्यासाठी आपल्या टीम्स रवाना होत्या। बॅड लक की मुंबईचा गुन्हा 2 महिन्यापूर्वीचा होता, तर त्यांच्याकडे आधीच डाटा असल्यामुळे टेक्निकल ॲनालिसिसमध्ये ते थोडे पुढे असल्यामुळे तो त्या मुंबई पोलिसांना मिळाला आहे। पिछले 8 सालों से यह पाटिल ब्रदर्स रुपए की लालच में ना जाने कितने युवाओं का जीवन बर्बाद कर चुके हैं। सिर्फ ड्रग्स की खरीदी बिक्री ही नहीं बल्कि नासिक में यह पाटिल बंधु उत्पादन करने लगे थे और राज्य के स्कूल कॉलेजों के छात्रों को यह ड्रग पहुंचाया जाता था। नासिक से BCN न्यूज के लिए क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।